हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का लेसन नंबर 5 जो है कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, यानी कि इतिहास की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थान है उनका भ्रमण करना, उनकी घुमाई करना। राइटर है इसके सेठ गोविंद दास। तो इस लेसन को हमने पढ़ लिया था और कुछ एक अंश इसका बाकी था जो आज हम पढ़ेंगे। तो अंत में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से चित्तौड़ से होता हुआ लेखक अजंता की गुफाओं को देखता है, किस प्रकार अजंता में उसे 29 गुफाएं उसकी जानकारी में मिलती हैं हमें, कि 29 गुफाएं हैं वहाँ, 2 अगम्य हैं और बाकी सभी देखी जा सकती हैं, यानी कि 2 को देखा नहीं जा सकता, बाकी सभी देखी जा सकती हैं, यानी कि 27 गुफाएं। और फिर वहाँ मोटर लॉरी से ही वो अजंता से रवाना हुए, दौलताबाद गए और दौलताबाद से एलोरा, और एलोरा का भी उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार से एक शिलाखंड को शिलाखंड ही क्यों कहें, यानी कि एक छोटे मोटे पठार को काट के गुफाओं का निर्माण किया गया है और ये गुफाएं लगभग 1.25 मील लंबाई लिए हुए हैं, यानी कि 1.25 मील तक लंबी हैं। तो इससे लेखक अनुमान लगाता है कि बहुत ज़्यादा परिश्रम किया होगा इसको बनाने में लोगों ने, और समय भी बहुत लगा होगा, ऐसा उसने अनुमान लगाया है। फिर उस पढ़ा था इस गुफा श्रृंखला के 3 मुख्य अंग हैं जिसमें बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं थी। तो उसने बताया था कि किस प्रकार से बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 हैं और अनुमान है कि वही सबसे पहली बनी है, यानी कि इनकी खुदाई 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच। हिंदू गुफाओं की संख्या उसने 17 बताई थी और अंतिम गुफाएं बताई थी जिनकी संख्या 4 थी, जैन गुफाएं। तो मैंने बताया था इन चीज़ों को, इन प्रश्नों को आप बढ़िया तरीके से याद करोगे क्योंकि बड़े इम्पोर्टेंट है। कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि एलोरा की गुफाओं में जैन गुफाओं की संख्या कितनी है, तो आपको जहन में होना चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए ये बात, जैन गुफाओं की संख्या 4 है, बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 है और हिंदू गुफाओं की संख्या 17 है। तो इसको बढ़िया तरीके से याद रखना। तो आज हम पढ़ते हैं उसके आगे वाला हिस्सा। हमने पढ़ा था अंतिम गुफाएं जिनकी संख्या 4 है, जैन गुफाएं और जिनकी खुदाई हिंदू गुफाओं के बाद की हुई होगी। तो पढ़ते हैं आगे। प्रारंभिक बौद्ध गुफाएं बिल्कुल सादी हैं। सादी का मतलब है बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल साधारण है। परंतु 10वीं गुफा जो विश्वकर्मा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, उल्लेखनीय है, यानी कि प्रारंभिक गुफाएं हैं जो बौद्ध गुफाएं हैं जिनकी संख्या 12 है। प्रारंभिक गुफाएं तो बिल्कुल सादी हैं, बिल्कुल साधारण है, परंतु जो 10वीं गुफा है जो विश्वकर्मा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, किसके नाम से? विश्वकर्मा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, उल्लेखनीय है। 12वीं गुफा जो 3 तल गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, जो 12वीं गुफा है उसको 3 तल गुफा के नाम से जाना जाता है। एक 3 मंजिली गुफा है, यानी कि 3 मंजिलों वाली। यहाँ पर जो मूर्तियाँ अंकित हैं वे आकार, धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति और सजावट की दृष्टि से अनुपम बनी है, बहुत ही सुंदर बनी हुई है। विश्वकर्मा गुफा का भीतरी भाग संकरा होता गया, यानी कि भीड़ा होता गया, यानी कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई थोड़ी कम होती गई, यानी कि
संकरा होता गया और अंत में 27 फुट लंबा और 15.5 फुट चौड़ा रह गया है, यानी कि उसका जो दायरा है वो कम होता गया। भी वहां पर आसीन 11 फुट की ऊंची भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति है, 11 फुट ऊंचाई के लिए भी। 3 तल गुफा मनुष्य के सतत प्रयत्न और धैर्य का उत्कृष्ट नमूना है, यानी कि जब 3 तल गुफा को हम देखते हैं तो उससे हमें अनुमान लगाया, उससे लेखक ने भी अनुमान लगाया है कि सतत प्रयत्न यानी कि लगातार मनुष्य ने प्रयास किए और उसके धीरज का धैर्य का उत्कृष्ट नमूना है। कितने परिश्रम और कितनी लगन से पाषाण खंड, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर रूपी खंडों को काट कर यह 3 मंजिली कलाकृति खड़ी की गई होगी। अकेले अर्थव्यय से यानी कि अकेले धन के खर्च करने से संभवतः यह कार्य कठिन संपन्न होना था। तो अकेले अर्थव्यय से यानी कि सिर्फ धन से ही नहीं बनी है भाई, अकेले अर्थव्यय से संभवतः यह कार्य संपन्न होना कठिन था, यानी कि अकेले धन को अगर खर्च किया जाता तो यह कार्य पूरा होना, संपन्न होना कठिन काम था। मुझे इसके पीछे मनुष्य की कर्तव्य निष्ठा और आस्था की झलक दिखाई दी, जिसके बिना मेरे विचार में कोई महान कार्य पूरा करना संभव ही नहीं है। तो इसके पीछे उसने, लेखक ने अनुमान लगाया है कि मनुष्य की कर्तव्य निष्ठा है, अर्थात उसने अपने बड़े कर्तव्य प्रायणता से बड़े ही अच्छे तरीके से उसने ईमानदारी पूर्वक कर्तव्यनिष्ठ होकर, लगनशील होकर और आस्था अपनी श्रद्धा दिखाते हुए इसकी झलक दिखाई है, और इसके पश्चात ही इन गुफाओं का काम कंप्लीट हुआ है। और मेरे विचार से कोई महान कार्य पूरा करना संभव नहीं है, किसके बिना, मनुष्य के बिना। इस गुफा में जो बुद्ध की मूर्ति है उसके विषय में एक रोचक बात बताना जरूरी है। स्थानीय निवासी उसे राम मानकर पूजते हैं, यानी कि इस गुफा जो बुद्ध की मूर्ति है इस विषय में एक रोचक बात और है कि जो स्थानीय निवासी है उसे राम मानकर पूजते हैं, यानी कि है तो बुद्ध की प्रतिमा, वो बुद्ध की मूर्ति है, परंतु स्थानीय लोग हैं जो वहाँ के लोग हैं वो उसे राम समझकर पूजा करते हैं। इस मूर्ति की नाक और ओंठ आदि नहीं है और स्थानीय निवासी एक टूटते ही पलस्तर की दूसरी नाक चढ़ा देते हैं। भक्ति का मुझे यह अनोखा रूप जान पड़ा और बुद्धिवादी भले ही तर्क की शरण लें किंतु मुझे वे स्वल्प बुद्धि वाले यानी कि श्वेता ही अल्प बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले श्रद्धालु स्थानीय जन ही भगवान के अधिक निकट जान पड़े, जो किसी भी रूप में सर्वशक्तिमान को ही पूजते हैं या उसकी पूजा करते हैं। आगे है हिंदू गुफाओं में 16वीं गुफा जिसे कैलाश अथवा रंगमहल गुफा कहते हैं। तो हिंदू गुफाओं की संख्या कितनी है टोटल, हिंदू गुफाओं की संख्या है टोटल 17, और इसमें कौन सी गुफा की बात कर रहे हैं, ये 16वीं गुफा जिसे कैलाश अथवा रंगमहल गुफा कहते हैं। शिव की गुफा है किंतु इसमें विष्णु का और अन्य पौराणिक विभूतियों के चित्र अंकित है, पुराण यानी कि पुराणों के समय की यानी कि इतिहास की बात करता है, पुराने समय की बात करता है, अन्य पौराणिक विभूतियों के चित्र अंकित हैं। इसमें ध्वज स्तंभ यानी कि ध्वज रूपी स्तंभ, झंडा रूपी स्तंभ है और हाथी की मूर्ति भी, हाथी की मूर्ति भी क्या है, दर्शनीय है, यानी दर्शनीय का मतलब देखने योग्य है। भारत में पाषाण खंड, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, भारत में पाषाण खंड में बनी हुई इतनी विशाल गुफा दूसरी नहीं है, यानी कि पाषाण काल की बात की जाए तो, पाषाण खंड की बात की जाए तो इससे बड़ी कोई विशाल गुफा दूसरी नहीं है। यह गुफा 276 फुट लंबी, यह गुफा 276 फुट लंबी, 154 फुट चौड़ी और 107 फुट ऊंची है। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का माप है पाषाण खंड से बनी हुई विशाल गुफा भी। इससे
गुफा के भीमकाय आकार का पता लगाया जा सकता है। भीमकाय का मतलब होता है बहुत बड़े आकार वाली, बहुत बड़ी काया वाली, यानी भीमकाय आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। शिलाखंड में काटकर बनाया गया हिंदुओं का इतना विशाल मंदिर भारत में दूसरा नहीं है, यानी कि किसी भी शिलाखंड को, किसी भी पत्थर को काट के बनाया गया हिंदुओं का इतना विशाल मंदिर भारत में दूसरा कहीं भी स्थित नहीं है। 21वीं गुफा जो रामेश्वर गुफा कहलाती है, 29वीं गुफा जो सीता गुफा कहलाती है, कला और पच्चीकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। कला और पच्चीकारी का मतलब है यानी कि विभिन्न पेंटिंगों से संबंधित। उसके बाद है एलोरा से हम दौलताबाद, से फिर हम दौलताबाद लौटे और दौलताबाद से पुनः अजंता आकर एक बार फिर पद्मपाणी भगवान बुद्ध के चित्र के दर्शन कर जलगांव लौटे। जलगांव में हमें एक दिन और ठहरना पड़ा क्योंकि श्री रूपचंद जी लाठी ने हमारे सम्मान में एक पार्टी रखी थी, एक दावत रखी थी। जलगांव से हम मुंबई पहुंचे। हमारा उद्देश्य मुंबई देखना नहीं था, मुंबई तो मैं कई बार हो ही आया था, यहाँ हम आए थे एलिफेंटा गुफाएं देखने। चित्तौड़गढ़ से होता हुआ अजंता और एलोरा, और एलोरा से अब वापस किसकी ओर, एलिफेंटा गुफाओं की ओर लेखक चल दिया। तो आगे है अब जलगांव में इन्हें एक दिन और ठहरना पड़ा। क्यों ठहरना पड़ा, क्योंकि जो इनके मित्र थे कौन, रूपचंद जी लाठी, उन्होंने इनके सम्मान में क्या रखी, एक पार्टी रखी थी। जलगांव से हम बंबई पहुंचे। हमारा उद्देश्य बंबई देखना नहीं था, बंबई तो मैं कई बार हो ही आया था, यहाँ हम आए थे एलिफेंटा की गुफाएं देखने। एलिफेंटा यानी कि जैसा कि नाम है हाथियों से संबंधित, एलिफेंट हाथी, एलिफेंट इंग्लिश का शब्द है, तो हाथियों से संबंधित मूर्तियां ज़्यादा है इसलिए उनको एलिफेंटा नाम दिया गया। एलिफेंटा गुफाओं के विषय में हाथी की एक मूर्ति का जिक्र होता है, यानी कि उसका उसकी चर्चा होती है, जिसका अपना इतिहास है। सन 1814 में इस हाथी का सिर टूटकर गिर गया और बाद में उसका शेष अंग भी कई भागों में कट गया। सन 1864 में इस मूर्ति के खंडित अंगों को विक्टोरिया बाग बंबई ले जाया गया, जहां इनको पुनः जोड़ा गया। कहा जाता है कि इस हाथी के अंग्रेजी प्रयोग एलिफेंटा के नाम पर ही पुर्तगालियों ने इन गुफाओं को एलिफेंटा गुफाओं की संज्ञा दी। तो किसने दी थी एलिफेंटा की गुफाओं को नाम एलिफेंटा, तो पुर्तगालियों ने दिया था। ये गुफाएं एपालो बंदर से कोई 7 मील पश्चिमोत्तर में एक द्वीप पर स्थित हैं, जिसे स्थानीय निवासी और मल्ला घरपुरी कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना भी इसको, इसको स्थानीय लोग और निवासी क्या कहते हैं, घरपुरी कहते हैं। किसको, स्थानीय। इन अपाला बंदर से 7 मील दूर पश्चिमोत्तर में एक द्वीप स्थित है, जिसे स्थानीय निवासी और मल्लाह घरपुरी कहते हैं। आगे है इसका घेरा कुल मिलाकर 4.5 मील से अधिक नहीं है, यानी कि इसके दायरे की बात कर रहा है लेखक। तो इसका जो घेरा है कुल मिलाकर 4.5 मील से ज़्यादा नहीं है, अधिक नहीं है। इसमें दो पहाड़ियां हैं जिनके बीच एक मनोरम घाटी है। मनोरम का मतलब होता है मन को रमने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली, मन को सुंदर लगने वाली। यहाँ के द्वीप के निवासियों की संख्या बहुत ही कम है। आकार की दृष्टि से यह द्वीप चाहे छोटा हो पर इसका इतिहास बड़ा रोचक रहा है। मौर्य, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं का इस पर आधिपत्य था, शासन था। सन 1534 में इस पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। सन 1774 में अंग्रेजों ने इसे अपने शासन में लिया और सन 1775 में बादशाह एडवर्ड सप्तम को, जो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्थ थे, इस द्वीप पर दावत दी गई थी, उनको पार्टी दी गई थी, कहने का मतलब। किंतु इस द्वीप की महत्ता का आधार इसका इतिहास न होकर वहाँ की तक्षण कला और वहाँ की अद्भुत गुफाएं हैं। वहाँ की तक्षण कला और आश्चर्यजनक जो गुफाएं हैं
उससे इसका ज़्यादा महत्व है। इन गुफाओं का निश्चित रूप से काल निर्णय करना तो असंभव सा है, पर हाँ इतना अवश्य ज्ञात है कि 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये विद्यमान थी, यानी कि 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पूर्वार्ध में ये विद्यमान थी, स्थापित थी भी। आगे है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य शैव हैं, यानी कि शिव जी से संबंधित हैं, शिव भगवान से संबंधित हैं, और इनमें सबसे प्रसिद्ध शिव का मंदिर है जो एक गुफा में खोदा गया है। और इनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर किसका है? शिव का मंदिर है जो एक गुफा में खोदा गया है। यहाँ भगवान शिव को सर्जनहार, पालनहार और पर्यंकर, सर्जन करना किसी का निर्माण करना, पालनहार किसी को पालना और पर्यंकर किसी को नष्ट करना, जनरेट ऑपरेट एंड डेस्ट्रॉय, यानी कि किसी का सर्जनहार करना, फिर उसको पालना और फिर उसको नष्ट करना, तीनों रूपों में अंकित किया गया है। शिव के तांडव नृत्य का एक मनमोहक दृश्य है, शिव जी ने तांडव नृत्य किया था, उसका भी एक मनमोहक, मन को मोहने वाला बहुत ही सुंदर दृश्य है। और एक शिला पर शिव को भावमगन भी अंकित किया गया, भावों में मगन अर्थात अपने ही अंदर खोए हुए। शिव को नटराज के रूप में अंकित करने वाले एक दृश्य में उनके उस सृजनकारी नृत्य की अभिनव छवि है, अभिनव बिल्कुल नई, जिसे ब्राह्मण कला में इतना उच्च स्थान प्राप्त है, यानी कि किसको? शिव को नटराज के रूप में अंकित करने वाला। जैसे नटराज की आपने ज्योमेट्री वगैरह लेके आते हैं, उस पर लिखी होती है ना वो तस्वीर, सीधी होती है विभिन्न भुजाओं वाली, तो उसी को नटराज आकृति, यानी कि शिव की। शिव को नटराज के रूप में अंकित करने वाले एक दृश्य में उनके उस सृजनकारी नृत्य की अभिनव छवि है, जिसे ब्राह्मण कला में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त है भी। अब आगे है, शिव पार्वती विवाह, गंगावतरण, अर्धनारीश्वर शिव, अर्धनारी और ईश्वर, आदिनारी और ईश्वर शिव, मानवती पार्वती आदि के अनेक छवि दृश्य हमने मनोयोग पूर्वक देखे। इन चित्रों में सबसे प्रसिद्ध शिव की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? शिव की प्रतिमा है। अब है आगे, एलिफेंटा से हम बम्बई लौटे, बम्बई से हमारा विचार बीजापुर जाकर गोल गुंबज देखने का और था, यानी कि अब एलिफेंटा से हम कहाँ वापस लौटे? बम्बई की ओर लौट चले, और बम्बई से हमारा विचार बीजापुर जाकर गोल गुंबज देखने का और था, यानी कि हमारा विचार बीजापुर जाकर गोल गुंबज देखने का भी विचार था। उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी, यानी कि उसकी भी बहुत प्रशंसा सुनी थी कि बहुत ज़्यादा वो फेमस है, परंतु जबलपुर के कुछ ऐसे तार और पत्र मिले कि इस दौरे को अब मुझे समाप्त कर जबलपुर लौटना पड़ा, यानी कि कुछ कारणवश मुझे वो पत्र प्राप्त हुए, तो मुझे कारणवश वहाँ से जबलपुर वापस लौटे। इसके बाद गोल गुंबज देखने का मुझे अब तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। यद्यपि मैं सारे संसार के अधिकांश भाग में चक्कर लगाया हूँ, एक कहावत है अनी चूके बीसा सो, वही इस मामले में हुआ, यानी कि एक बार अगर चूक जाए तो आदमी को उसे बार दोबारा मौका नहीं मिलता, उसे देखने का मौका नहीं मिलता है। तो ये तो था आपका लेसन जो आज कंप्लीट हुआ, लेसन नंबर 5, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, किस प्रकार से लेखक इसमें विभिन्न स्थानों को
देख के आता है और उनकी विशेषताओं को इस पाठ के माध्यम से दर्शाया गया है। तो इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप अपने आप कर लोगे, जैसा कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर क्षिप्रा नदी के तट पर है, एलिफेंटा की गुफाएं, ये अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों को आप बढ़िया तरीके से लिखने के साथ साथ इनको बढ़िया तरीके से याद भी करोगे तो आपके 5 लेसन आज कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।